हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और आप सभी के लिए लेके आया हूं नई वीडियो। और इसके अंदर मैं आप सभी को बनाकर दिखाने वाला हूं एक इलेक्ट्रिक स्कूटर। और फ्रेंड्स, ये वाला जो वीडियो है हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसके अंदर मैं आप सभी को पूरी बनाकर दिखाऊंगा, इसको चलाकर दिखाने वाला हूं। और सेकंड वाला जो पार्ट आएगा, इसके अंदर हम एसेसरीज फिट करेंगे, हेडलाइट फिट करेंगे, इंडिकेटर फिट करेंगे और पीछे की मड गार्ड फिट करने वाले हैं। और यहाँ पर एक लगेज हमारा लगाने वाला है जिसके अंदर कुछ सामान रखकर हम इसको चला सकते हैं। इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक साइकिल किट की जो मोटर होती है वो यहाँ पर फिट करी है। इसके अंदर जो हमारा कंट्रोलर और बैटरी इसके अंदर फिट हुआ है और इसको मैंने पूरा घर पे बनाया है। और इसका पावर अगर आप देख लोगे ना भाइयों, तो आपका मतलब दिमाग खराब हो जाएगा। इसके अंदर हम दो जने बैठकर चलाएं तो भी आराम से चलने वाली। तो फ्रेंड्स, कैसे मैंने इसको बनाया है मैं आपको पूरे वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो चालू करते हैं इस वाली वीडियो को। वीडियो चला के तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भी हाल। फ्रेंड, हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर का यहाँ पर चेसी बनाना होगा। तो यहाँ पर मैं लोहे की पाइप का यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर इनको कट करके वेल्डिंग करके इसकी चेसी बना लेते हैं। चेसी को वेल्ड करने के लिए हमें एक वेल्डिंग मशीन की जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर मैं वेल्डिंग मशीन का यूज करने वाला हूँ, वो है एक्सपर्ट वेल्ड 200। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वाली वेल्डिंग मशीन खरीदनी है जो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ आगे, उसके लिए आपको MB बाजार पे जाना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। और ये जो है काफ़ी कम रेट के अंदर आपको इजीली मिल जाएगी MB बाजार पे। और यहाँ पर हमें कुछ सेफ्टी गैजेट का भी यूज़ करना होगा ताकि हम वेल्डिंग करते समय हमें हार्म ना पहुँचे, हमारे हाथ पाँव में कुछ जल ना जाए। तो ये जो आपको सेफ्टी गैजेट है वो भी आपको MB बाजार पे मिल जाएंगे इजीली। और यहाँ पर हम इस चेसी को वेल्ड कर देते हैं अच्छी तरीके से। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आगे की साइड में एक व्हील लगाना होगा। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक मोटा लोहे का पाइप लिया है चौकोर आकार में और इसको आगे से हमने टेपर में कट करके उसको यहाँ पर गोलाई में हम कट कर देंगे। इसको हम आगे की साइड में वेल्ड कर देंगे चेसी की साइड में, ताकि हम इसे आगे साइड में जो व्हील होता है उसको वेल्ड कर देंगे। अब आगे का जो व्हील है फ्रेंड्स, वो मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक स्कूटी का लगाने वाला हूँ। ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का मैंने व्हील निकाला है। ये कबाड़े के अंदर जो इलेक्ट्रिक स्कूटी ख़राब हो जाती है उसका मैंने यहाँ पर निकाला है। ये काफ़ी कम रेट के अंदर आपको मिल जाएगा। आप इलेक्ट्रिक स्कूटी की जगह पर किसी और स्कूटी का भी यूज़ कर सकते हो जो आपको कम रेट के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और जो हमने यहाँ पर आगे साइड में पाइप वेल्ड कर किया था उसके वो यहाँ पर स्टाफ से अटैच करके इसको अच्छे से वेल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पर पीछे का जो व्हील है हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो आप सभी ने देखा होगा कि हमारा जब मकान बनता है तो ऊपर छत जो डलती है हमारी RCC की, तो उसके लिए यहाँ पर एक ट्रॉली का यूज़ करते हैं। सीमेंट को लाने के लिए ट्रॉली का यूज़ किया जाता है। तो उस ट्रॉली के अंदर जो व्हील लगता है उसी का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक फ्लाई व्हील अटैच करा है इसके साथ में और एक मोटा सा यहाँ पर नट बोल्ट लगा दिया है। आप इसकी जगह पर पाइप का भी यूज़ कर सकते हो और इस टाइप का जो फ्लाई व्हील होता है उसको यहाँ पर अटैच कर दीजिए, जिससे हमारी मोटर से जो यहाँ पर हम चेन कनेक्ट करके इसको हम पीछे घुमाने वाले हैं। अब इसके शाफ्ट हमें बनानी होगी। तो यहाँ पर शाफ्ट मैंने घर पे नहीं बनाई है, ये लेथ मशीन पे मैंने बनवाई है। और आप देख सकते हो इस टाइप का लोहे का जो आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, नट बोल्ट या फिर कोई शाफ्ट ले सकते हो और उसको लेथ मशीन पर ले जाकर इस टाइप की शाफ्ट बनवा सकते हो। इसके दोनों तरफ में हम यहाँ पर थ्रेड निकलवाए हैं ताकि हम नट बोल्ट के द्वारा हम चेसी पे कस देंगे और ये फ्रीली मूवमेंट करेगा हमारी व्हील के अंदर। अब हमें चेसी से कनेक्ट करना होगा, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने दो एंगल लिए और बड़े से होल कर लिए और यहाँ पर मैं जैसे आप वीडियो में देख रहे हो उस टाइप से कट लगा दूंगा इसके अंदर। तो गाइस, फाइनली यहाँ पर एंगल हमारे कट हो चुकी है और हमारी जो शाफ्ट है इसके इस टाइप से कनेक्ट हो जाएगी। इसको हमें यहाँ पर वेल्डिंग करना होगा हमारी चेसी के साथ में। फाइनली अब हमारा जो व्हील है उसे चेसी से कनेक्ट कर देते हैं इस टाइप से।
हमारा व्हील जो है अच्छी तरीके से यहाँ मूवमेंट कर रहा है, राउंड राउंड अच्छे से घूम रहा है। अब हमें यहाँ पर मोटर लगानी होगी, उससे लिए यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा। तो एक मोटे की लोहे की शीट मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा और इसको अच्छे से वेल्ड कर दूंगा इसके ऊपर, जिससे हमारे मोटर और यहाँ पर जो हम बैठने के लिए जो शीट यूज़ करते हैं वो भी हम लगा देंगे। फ्रेंड इसके अंदर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक साइकिल किट का यूज़ करने वाला हूँ और इसका मैंने एक ऑलरेडी अनबॉक्सिंग करके दिखा दिया आपको एक वीडियो के अंदर। और ये जो आपको खरीदना है तो 4,999 रुपये में आपको इजीली मिल जाएगा और फ्री डिलीवरी आपको इस किट का मिलने वाला है। और ये जो है अपनी वेबसाइट जो है MV बाजार वहाँ पर मिलेगा। अदर वेबसाइट से अगर परचेस करोगे तो 6,000-7,000 रुपये 8,000 रुपये के आसपास आपको मिलने वाला है, लेकिन ये किट आपको बस 4,999 में सिर्फ और सिर्फ MV बाजार पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके इस किट के साथ में जो हमारा मोटर माउंट आता है उसको मैंने लिया है और एक यहाँ पर वेल्ड करके इस टाइप का मैंने एक बना दिया है प्लेटफॉर्म, ताकि हम मोटर को इसका कस देंगे और हमारे इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर लगा देंगे। यहाँ पर मैंने दो होल किए हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, और ये जो होल है थोड़ी बड़ी साइज की किए हैं। बड़ी साइज के इसलिए किए हैं फ्रेंड्स, ताकि हम इसके अंदर चेन लगाएंगे और मोटर को आगे पीछे या फिर लेफ्ट राइट करके पूरा सेट कर देंगे, क्योंकि हो सकता है कि हमारी चेन जो ढीली हो या फिर कभी टाइट हो या फिर लेफ्ट राइट हम इसको सरका कर हमारे अच्छी तरीके से सेट कर सकें। फ्रेंड्स अब यहाँ पर हमारे एक सीट लेंगे हम, टेम्परेली हम इस सीट को लगाने वाले हैं और एक मोटा सा मैंने पाइप लिया है उसको इस टाइप से फिट कर दिए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया है इसके यहाँ पर इसको इस टाइप से वेल्ड कर देंगे, इसको बिल्कुल 90 डिग्री पर हमें वेल्ड करना होगा। अब यहाँ पर मैंने जो लोहे की अलमीरा होती है वो बनाते हैं उस शॉप पर जाना है आपको और उन्होंने बोलना है कि इस टाइप का एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, तो ये वहाँ से ही मैंने बनवा के लाया हूँ मैं, और इसके अंदर हमारा कंट्रोलर बैटरी और हमारा जो भी सिस्टम होगा वो हम इसके अंदर फिट करने वाले हैं। अब यहाँ पर हमारे किट के अंदर जो मोटर मिली है 24 वोल्ट 250 वाट की हमारे पास ये मोटर है, और इस मोटर को हम इसके अंदर फिट करने वाले हैं। तो जो हमने यहाँ पर हमारा माउंट है मोटर माउंट उसको हमने वेल्ड करके जो एक सिस्टम बनाया था उसके अंदर इस मोटर को लगा देंगे अच्छी तरीके से। फाइनली गाइस देख सकते हो कि हमारी मोटर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। प्लेटफॉर्म के अंदर मैंने एक होल किया है यहाँ पर, इस होल के अंदर से हमारे वायर को हम नीचे की साइड में निकालेंगे मोटर का, और इस मोटर के अंदर चेन लगाकर हम हमारे टायर से कनेक्ट कर देंगे उस चेन को, और मोटर को अच्छे से फिट करके इस बॉक्स के अंदर इसका वायर निकाल देंगे। हमारा कंट्रोलर इसी के अंदर होने वाला है, इसलिए यहाँ पर हम इसका चार्जिंग पिन भी इस बॉक्स के नीचे की साइड में लगाएंगे, और यहाँ पर हमारे जो चाबी का स्विच है वो भी हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। ठीक है, ताकि हम इसको सेफ्टी रख सके, हमारी जो बिना चाबी के कोई चला ना सके। फ्रेंड्स हमारे जो कंट्रोलर है वो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है अभी कुछ टाइम के लिए। इसके अंदर हम यहाँ पर रिवर्सिबल टेप जो होती है डबल साइडेड टेप वो लगाएंगे, और उसके बाद बॉक्स के अंदर इसको अच्छे से फिट कर देंगे, ताकि ये आगे पीछे हिले नहीं और एक जगह और फिक्स रहे। इसके सारे कनेक्शन हम कर देंगे इसमें, और उसके बाद में इसको हम इस टाइप से चिपका देंगे। इसका कनेक्शन करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, उसके लिए मैंने आपको कनेक्शन करना नहीं आता तो मैंने एक इलेक्ट्रिक साइकिल बनाकर दिखाई थी आप सभी को, उस वाली वीडियो को आप देख सकते हो, और उस वाली वीडियो को देखने के बाद इसका कनेक्शन आपको काफ़ी ईजी तरीके से कर सकते हो घर के अंदर। अब यहाँ पर हमारा जो ब्रेक है वो भी हम लगा देंगे, ब्रेक भी आपको इजीली मिल जाएगा उस किट के अंदर, और एक्सीलेटर भी इसके अंदर हम लगा देंगे। फ्रेंड इसके अंदर हम जो बैटरी यूज़ करने वाले हैं वो लिथियम आयन बैटरी लगाने वाले हैं। तो आप देख सकते हो मेरे पास दो बैटरी है, और एक है यहाँ पर 24 वोल्ट 10 AH की, और एक यहाँ पर 24 वोल्ट 20 AH की बैटरी है। फ्रेंड ये जो बैटरी है मैंने खुद ने बनाई है अपने घर के अंदर, अगर आपको बनानी है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसका नेक्स्ट वाला वीडियो आने वाला है जिसके अंदर आप घर पे बैटरी बना सकते हो। और उस बैटरी का जो रॉ मटेरियल होता है इसका सामान जो है आपको MV बाज़ार पे इजीली मिल जाएगा सारा का सारा सामान। आपको BMS चाहिए, बैटरी चाहिए, और इसके जो निकल स्ट्रिप चाहिए, और इसका ऊपर का कवर चाहिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और कुछ टाइम बाद फ्रेंड्स मैं पूरी बैटरी पैक बनाकर भी बेचने वाला हूँ, तो आपको काफ़ी कम रेट के अंदर सारा सामान मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं 24 वोल्ट 10 AH की बैटरी का यूज़ करने वाला हूँ इसके अंदर। फ्रेंड्स अभी आपको MV बाज़ार पे
पूरी बैटरी पैक नहीं मिलने वाला है आपको जो है इसका। अभी रॉ मटेरियल मिल जाएगा आपको, घर पे बना सकते हो इसको। और कुछ टाइम बाद, अभी हम पूरा काम चालू नहीं कर रहा है बैटरी का, कुछ टाइम बाद बैटरी का काम भी चालू हो जाएगा और आपको बैटरी भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस बैटरी को अंदर की साइड में लगा दिया और ऊपर की साइड में इस टाइप का हमने पीस करके इसको फिट कर दिया। फाइनली गाइस ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर स्कूटर, और अब यहाँ पर इसका हम टेस्ट ड्राइव लेंगे। इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसके अंदर हम यहाँ पर पीछे ट्रॉली लगाने वाले हैं और इसका हेडलाइट लगाने वाले, इंडिकेटर लगाएंगे और बहुत सारी चीजें इसके अंदर लगाने वाले हैं। नीचे की साइड में हमने यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट दिया गया जो इसको चार्ज कर सकते हैं, और यहाँ पर हमने इसका स्विच लॉक लगाया जिस टाइप से हम चालू कर सकते हैं। इसकी पावर की अगर बात कर ली जाए तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इसका पावर भी आपको दिखा देता हूँ। इसके आगे की साइड में यहाँ पर खड़ा रहूंगा और यहाँ पर एक्सेलरेट करूंगा, आप पीछे का व्हील देखना, वो यहाँ पर ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर इसको चलाकर देखते हैं हम। फाइनली यहाँ पर कुछ व्यूवर्स आए जिनको पता लग गया है कि यहाँ पर टेस्ट ड्राइव चल रहा है, तो इन्होंने बोला कि यार हम भी रील्स वील्स बना ले इसके साथ में। तो अभी हाल यहाँ पर चल रहा है। तो अगर चलो मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, कैसा चल रहा है? बहुत शानदार। स्पीड सब कुछ मिल रही है ना? सब बढ़िया है, ब्रेक व्रेक सब सही है। अभी इसका फर्स्ट मॉडल है, अभी इसमें क्या है कि और भी बनाएंगे, हेडलाइट लगाएंगे, इसके पीछे ट्रॉली लगाएंगे। आपने बनाई? मैंने खुद ने बनाई भाई, कैमरा। अभी हाल इसका जोड़ा नहीं सब कुछ हमने, फिर वीडियो में बताएंगे सब कुछ कैसे क्या बनाए, क्या रेट लगा इसका। तो बहुत शानदार चल रहा भाई, चाबी भी है, चाबी है, चार्जिंग सिस्टम है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, कामयाब हो गया। इलेक्ट्रॉनिक, हाँ इलेक्ट्रॉनिक, बेल्ट मोटर लगी हुई ना, ये देखो ना भाई, कामयाब हो गया। वाह यार बढ़िया, ठीक है बन गया वीडियो। चलो ठीक है, अब यहाँ पर इसका कैपेसिटी, लोड कैपेसिटी हम टेस्ट करने वाले कि दो जनों को बैठा कर ये चल सकती है फिर नहीं चल सकती है। अभी तो हमने यहाँ पर टेम्परेली एक सीट को लगाया, हम इसको चेंज करेंगे दूसरे वाले पार्ट के अंदर और इसमें दूसरा वाला फिट करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, एक जनों को यहाँ पर बिठा देंगे, एक जना यहाँ पर स्कूटर की वजह से खड़ा होकर चलाएगा इसको। तो यहाँ पर हमारे पीछे की साइड में महेंद्र भैया बैठे हैं और इनका वजन कितना है अपना? 85 kg इनका वजन है और मेरा जो लगभग यहाँ पर 60 kg के आसपास मेरा है। तो अब यहाँ पर इसको चलाते हैं और देखते हैं ये चलेगी या फिर नहीं चलेगी, ठीक है। भाई अभी आज देखा अपने, हम दो जने इसके ऊपर बैठे, उसके बाद भी ये अच्छी तरीके से चल रही है यहाँ पर। और इसका जो टोर्क है वो बिल्कुल, स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं हुई इसके अंदर, क्योंकि इसको हमने इस टाइप से बनाया कि इसके अंदर हम कुछ सामान रख कर इधर उधर से ले जा सकते हैं। तो अभी देख सकते हो मेरे साथ में इसमें अंदर 85 kg का जो एक सामान हमने रखा था अभी यार, वो भी इसने खींच लिया और आराम से चल रही है। तो
सो गाइस फाइनली यहाँ पर इसको चला कर भी देख लिया हमने, और व्यूवर्स ने भी चला लिया यहाँ पर, वो आ चुके थे, उन्होंने देख लिया कि शूटिंग चल रही है, नया चीज़ बनाया उसका वीडियो का हो रहा है, तो वो आ चुके थे। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट डालेंगे जिसके अंदर हम इसको मॉडिफाई करके दिखाएंगे, इसके हेडलाइट सब कुछ दिखाएंगे, इंडिकेटर लगाएंगे इसके अंदर, और पीछे ट्रोली लगाने वाले हैं, मडगार्ड लगाने वाले, जो भी इसके अंदर कमी है सारी की सारी हम इसके अंदर फिट करके दिखाने वाले हैं। तो कैसा लगा ये वाला वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और आपको इलेक्ट्रिक किट चाहिए तो जाइए MB बाजार पर, वहाँ से परचेज कर सकते हो। हमारी बैटरी का जो रॉ मटेरियल है वो आप परचेस कर सकते हो, कुछ टाइम बाद हम बैटरी भी बनाकर आपको दे देंगे, इसके लिए आपको कुछ टाइम रुकना पड़ेगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत, बाय एवरीबॉडी।